गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था अपन ने एपिडेमियोलॉजी के बारे में। तो एपिडेमिक डिजीज़ क्या होती है और उसके बारे में अपन ने पढ़ा था कि एपिडेमियोलॉजी कैसे होती है और उसको फैक्टर जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं कि उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। इसके बाद अपने नेक्स्ट एक टॉपिक आता है, उसके अंदर अपने सिलेबस के अंदर जो पॉइंट दिया हुआ है वो है अपने प्लांट डिजीज़ डायग्नोसिस। क्या होता है प्लांट डिजीज़, उसको कैसे डायग्नोस करते हैं, तो कुछ मेथड्स होती है और इसके अंदर कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं कि उसको कैसे अपन देख के पहचाने, या फिर उसका लेबोरेटरी उसका कुछ एनालिसिस करते हैं, या फिर उस डिजीज़ को पहचानना, डिटेक्ट करना और उसको डायग्नोज करना। डिटेक्ट करना, कोई डिजीज़ को डिटेक्ट, पैथोजन को डिटेक्ट करना होता है, तो उसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ डायग्नोसिस का जो अपना जो चैप्टर है, इसके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं अपनी बीमारी को पहचानेंगे कैसे। एपिडेमिक तो बहुत बाद की बात होती है, सबसे पहले अपने ये पता होना चाहिए कि डिजीज़ होता क्या है, दूसरा उसके अंदर कि उस डिजीज़ को अपन पहचानेंगे कैसे, कि किस वजह से हो रहा है। अपने को प्रैक्टिकली जो अपने जो जिस चीज़ की बात करें तो प्रैक्टिकली जो पॉइंट देखा जाता है तो वो क्या होता है, डिजीज़ का आइडेंटिफिकेशन, कि एक कोई बीमारी है उसको पहचानेंगे कैसे। तो उसके कुछ मेथड्स के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो अपने सबसे पहली चीज़ देखो, इसके अंदर आज का टॉपिक जो अपना है डिटेक्शन और डायग्नोसिस का, ठीक है। तो डिटेक्शन और डायग्नोसिस के बारे में अपन बात करेंगे। तो अपने सबसे पहले मीनिंग का पता होना चाहिए कि डिटेक्शन क्या है और डायग्नोसिस क्या है, ठीक है। तो डिटेक्शन अपन बात करें तो डिटेक्शन और डायग्नोसिस, ठीक है। अब डिटेक्शन और डायग्नोसिस के अंदर देखो डिफरेंस क्या होता है। डिटेक्शन का मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज़ की एस्टेब्लिशमेंट का किसका पता लगाना, कोई भी पैथोजन के एक इस्टेब्लिशमेंट का। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब, या फिर सीधा सीधा अपन बात करें तो कोई भी रोग या फिर उसके अंदर डिजीज़ हो गया, तो डिजीज़ की वजह से जो पौधे के ऊपर जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं, ठीक है। तो जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो उन सिम्टम्स के बारे में जानना, उन सिम्टम्स के बारे में जानना। तो सिम्टम्स का पहचान करना क्या हो गया, डिटेक्शन। सिम्टम्स का पहचानना एक तरीके से क्या हो गया, डिटेक्ट करना। डिटेक्ट करना मतलब एक तरीके से अपन बात करें उसको तो आइडेंटिफाइड करना, क्या करना उसको, आइडेंटिफाई करना यानी कि पहचानना। डिटेक्ट करना मतलब पहचानना, तो उसकी पहचान करते हैं, या फिर कोई भी रोग कारक का उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट का पता लगाना कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है, तो उसी वजह से उसके अंदर ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। डायग्नोज क्या होता है, डायग्नोसिस एक तरीके से देखा जाए तो डायग्नोसिस का मतलब होता है, वैसे देखे तो इसका एक लेबोरेटरी जो प्रोसीजर होता है, तो वो एक तरीके का जो लेबोरेटरी मेथड जो होते हैं वो चीज़ क्या होती है कि डायग्नोज करने का तरीका होता है, कि उसको डायग्नोज का मतलब होता है डिस्टिंग्विश करना। डिस्टिंग्विश करना मतलब अलग करना उसको, डिस्टिंग्विश करना मतलब उसको अलग करना। डायग्नोज करने का मतलब ये हो गया कि लेबोरेटरी प्रोसीजर के थ्रू उसको डिस्टिंग्विश करना, यानी कि उसको अलग करना कि रोग कारक जो एक्चुअल कोज है उसका प्रकार क्या है और उसका नेचर क्या है। एक्चुअल कोज, जैसे मान लो कोई एक डिजीज थी, मानो एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ मैं, जैसे विल्ट की अपन बात कर लेते हैं, एक डिजीज है। विल्ट कैसे पता चला, विल्ट सबसे पहले किसी ने नाम दिया होगा इसको विल्ट, ऐसे तो है नहीं कि विल्ट पहले से ही था, अपने जो प्लांट थे उससे पहले विल्ट आ गया था, तो विल्ट तो बाद में डायग्नोज किया गया, इसको नाम दिया गया, इसको टर्म दिया गया विल्ट। तो सबसे पहली चीज़ ये था कि उसको विल्ट डिफाइन कैसे किया, उसका नाम विल्ट ही क्यों पड़ा। तो विल्ट का मतलब ये चीज़ देखो, मैंने उस जैसे मुझे एक कोई पौधा देखा, पौधे पे कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दिए, तो उस लक्षण को देख के मैं सीधा सा बोल देता हूँ कि ये क्या चीज़ है, विल्ट। क्या ये विल्ट, तो डिजीज़ को डायग्नोज कर दिया ना। देखो डायग्नोज करना, मैंने डिटेक्ट किया, कैसे डिटेक्ट कैसे किया, उसका सिम्टम कैसे डिटेक्ट किया कि उसके अंदर क्या हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ टर्जिडिटी, ठीक है, टर्जिडिटी लॉस हो रहा है उसके अंदर, और येलोविंग प्लांट सिम्टम शो कर रहा है, येलोविंग सिम्टम शो कर रहा है, मुरझा गया है, विदरिंग हो गया, बिल्कुल पौधा सूखने लग गया,
तो मैंने डिटेक्ट किससे किया, सिम्टम डिटेक्ट किससे किया, सिम्टम से डायग्नोज किया मैंने इसको, बता दिया कि क्या ये विल्ट। अब विल्ट इसलिए बता दिया क्योंकि ये पहले से नाउन चीज़ है, ये पहले से नाउन थी, क्योंकि इसके बारे में स्टडी हो चुकी है। अगर ये चीज़ कंफर्म कर देता है कि अगर अपन डिटरमाइन कैसे कर दिया इसको, ये चीज़ कंफर्म कर देती है कि लॉस ऑफ टर्जिडिटी या फिर येलोविंग और विदरिंग टाइप के अगर सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो उसके अंदर विल्ट डिजीज होने के चांसेस होते हैं, यानी कि विल्ट के चांसेस बताता है। तो वो चीज़ क्या थी कि डायग्नोज हो चुकी है लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर। जब पहली बार किसी ने देखा तो उस पौधे को उखाड़ा होगा, उसकी पत्तियों को फाड़ के देखा होगा कि पत्तियों में कोई इन्फेक्शन है, फिर स्टेम को चीर के देखा होगा कि स्टेम में कुछ है, फिर रूट के पास गया होगा, फिर रूट को देखा, रूट को देख के फिर उसको लेब में लेके गया होगा, लेब में उसका आइसोलेशन किया होगा, आइसोलेशन के बाद में उसका मॉलिकुलर कुछ किया होगा, या फिर ऐसे प्रोसीजर उसने अपनाए होंगे, और फाइनली उसको उसने फाइनल डायग्नोसिस देके उसको क्या बोल दिया, विल्ट, और उसके कोजल ऑर्गेनिज्म बता दिया जैसे फ्यूजेरियम। तो एक्चुअल कोज उसका क्या था, वो था फंगस, और वो क्या थी, फ्यूजेरियम। डायग्नोज किया उसने, डिटेक्ट किससे किया, पैथोजन से, या सॉरी सिम्टम से। उसने डिटेक्ट कैसे किया, सिम्टम से देख के उसको पहचाना, ठीक है। ये तो होता है डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, ठीक है। तो प्लांट डिजीज सिंपल सी बात है, प्लांट डिजीज के बारे में तो जानते ही हो, पिछले सेमेस्टर में भी पढ़ा है, तो सिंपल सी बात है कि अनइजीनेस, कोई भी प्लांट के अंदर अनइजीनेस, एबनॉर्मल बिहेवियर कोई भी प्लांट का हो जाता है, माल फंक्शनिंग होने लग जाती है, एबनॉर्मल फंक्शन होने लग जाते हैं, जो नेचुरल जो उसका फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उस वजह से क्या होता है, पौधे की डेथ हो जाती है या फिर कुछ इकोनॉमिकल लॉसेज हो जाते हैं। तो सीधी सी बात ये हो गई कि डिजीज को डिफाइन करना, डिजीज पता है सबको, अनइजीनेस होना, एबनॉर्मलिटी आना, किस वजह से हो सकता है, बायोटिक और एबायोटिक, दो फैक्टर बताए थे पहले भी अपन ने पढ़ा था, लिविंग और नॉन लिविंग। सीधा सीधा देखें तो ये लिविंग थिंग्स हो गई और ये नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में भी देखो डिसऑर्डर जो होते हैं वो डिजीज ही तो है, डिसऑर्डर जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिजीज होते हैं। तो डिसऑर्डर में क्या, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, टेम्परेचर, सोइल का पीएच, इरिगेशन, सब सारी चीज़ जो आ जाती है वो एबायोटिक के अंदर, और बायोटिक के अंदर आ जाती है लिविंग। लिविंग में माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, फंजाई, निमेटोड, ये सब चीज़ें क्या आ जाती है, लिविंग थिंग्स में आ जाती है। तो इनके द्वारा होती है डिजीज़, वो अलग हो जाती है, ठीक है। प्लांट डिजीज कोज समझ में आया क्या था मैं, अब देखो प्लांट डिजीज जो होती है वो करती क्या है, सीधा सा है, डिजीज़ होगी तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर लॉस होगा, क्या होगा, पौधे की डेथ हो जाएगी, प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या होता है, लॉस ही तो होता है, अपने क्रॉप का लॉस हो जाता है, तो वही होता है इसके कोज, और तो कुछ फायदेमंद तो है नहीं कोई इसके अंदर, ठीक है, एग्रीकल्चर लॉस। और इसके अंदर एक चीज़ होता है कि अपन डायग्नोसिस करते क्यों हैं, डिटेक्शन और डायग्नोसिस, डिजीज़ का डायग्नोसिस करना ज़रूरी क्यों होता है, डिजीज़ का डायग्नोसिस करना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर अपन ने डिजीज़ को किसी को डायग्नोज कर लिया, मानो अपने डिजीज़ को पहचाना नहीं तो उसके अंदर वो मल्टीप्लाई होता रहेगा, पैथोजन जो भी है डिजीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, फर्दर डेवलपमेंट होगा उसका, तो उसके बाद में वो क्या हो जाएगी, एक बड़ी समस्या बन जाएगी आने वाले टाइम में के लिए भी और उस सीजन में भी। तो इसलिए अगर डिजीज़ का डायग्नोज प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाता है तो उस चीज़ में हेल्प क्या होती है, देखो उसके अंदर एक चीज़ तो ये हेल्प होती है कि मिनिमाइज इकोनॉमिकल लॉस, इकोनॉमिकल जो लॉस होता है उसको मिनिमाइज करना, फायदा हो तो यही है ना, अपना मेन टारगेट क्या होता है, लॉस को मिनिमाइज करना। इस चैप्टर को भी क्यों पढ़ रहे हैं, लॉस मिनिमाइज के लिए, और डिजीज का अध्ययन भी किस लिए, प्लांट पैथोलॉजी की इंपॉर्टेंस ही तो यही है कि अपने डिजीज से जो होने वाला नुकसान होता है उसको कम करना, और क्या करता है कि फैसिलिटेट द कंट्रोल ऑफ डिजीज, डिजीज कंट्रोल के अंदर अपने एक सुविधा कर देता है, ठीक है, डिजीज कंट्रोल करने को थोड़ा आसान बना देता है या फिर थोड़ा इजी कर देता है। तो ये दो इसके मेजर ऑब्जेक्टिव रहते हैं। डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस के बारे में चर्चा की थी अपने, अब देखो डिटेक्शन क्या होता है, इन प्रैक्टिस एक प्रैक्टिस के तौर पे अपन देखें तो क्या होता है, डिटेक्ट करना कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम को, कोई भी चीज़ को डिटेक्ट करना कहलाता है, ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व सिम्टम्स कॉज्ड बाई ए प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम के द्वारा जो सिम्टम्स होता है डेवलप होता है उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना क्या कहलाता है, डिटेक्शन, ठीक है। और डायग्नोस क्या होता है कि डायग्नोस बताता है कि प्रॉब्लम इज टू एसर्टेन द स्पेसिफिक पैथोलॉजिकल कंडीशन दैट इज कॉज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम करती जो कुछ एक ऐसी चीज जो कि प्रॉब्लम करती है, ठीक है, स्पेसिफिक पैथोलॉजिकल कंडीशन जो कि
कोज करती है, यानी कि बीमारी करने का जो कारण जो होता है उसके बारे में अपने पता लगाना क्या कहलाता है, डायग्नोसिस। सीधी सी बात, कोई रोग कारक का पता लगाना, उसकी पूरी स्टडी करना, उसका कोज का पता लगाना और उसका नेचर पता लगाना, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस का अध्ययन करना तो कहलाता है डायग्नोसिस। डिटेक्शन होता है कोई भी रोग, जो कोई भी कारण होता है उसकी वजह से, या कोई रोग या कोई प्रॉब्लम डेवलप होती है तो उस प्रॉब्लम का पता लगाना, यानी कि पहचानना, आइडेंटिफाई करना। फर्स्ट जो इम्प्रेशन पड़ता है कोई भी चीज़ पे देखते हैं, जैसे प्लांट था, प्लांट के ऊपर डिजीज था, अपने फील्ड में गए, उसके ऊपर पीलापन दिखाई देने लग गया, सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे अपन, उस चीज़ को डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट कैसे करेंगे अपन, उसको विजुअल ऑब्जर्वेशन किया। विजुअल ऑब्जर्वेशन करना मतलब पौधे के पास जाएंगे, उसको देखेंगे, उसकी रूट उखाड़ के देखेंगे, पौधे को उसकी रूट चेक करेंगे, उसकी लीफ को देखेंगे, उसकी स्टेम को देखेंगे, तो ये सारा प्रोसीजर आ जाता है डिटेक्ट करना। डिटेक्ट करना, अपने को आइडिया लग जाता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम का कोज क्या था उसका पता करना है, तो उस प्लांट को अपन लैब के अंदर लेके गए, कुछ मेथड्स फॉलो किए अपन ने, कुछ प्रोसीजर लिए और उसके द्वारा अपन ने पता लगाया कि इसके अंदर ये बीमारी थी और बीमारी हुई किस वजह से, उसका कारण था, जैसे मान लो फंगस था या बैक्टीरिया था, तो वो चीज़ें क्या हो जाती है, वो होती है डायग्नोसिस करना, उसको डायग्नोज किया था। तो डायग्नोस्टिक जो लैब होती है, ब्लड का टेस्ट करवाते हैं अपन, यूरिन टेस्ट करवाते हैं, तो वो चीज़ क्या करता है, वो डायग्नोज ही तो करता है, डायग्नोस्टिक वो क्या करता है, लैब को डायग्नोज करता है। डिटेक्ट तो किसने किया, डॉक्टर ने डिटेक्ट कर लिया कि हाँ तुम्हें फीवर हो रहा है। फीवर होने के बाद वो कहेगा कि आपको डायग्नोज करवाना है, क्या ब्लड का डायग्नोसिस करवाना है, तो ब्लड का डायग्नोसिस करवाएंगे तो अपन क्या करेंगे, ब्लड का सैंपल लेंगे, उसके अंदर देखेंगे कि उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, तो वो प्रोसीजर आ गया डायग्नोसिस का, डिटेक्ट हो गया अलग प्रोसीजर, ठीक है। अब इसके अंदर देखो नॉर्मल क्या चीज़, व्हाट इज नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, इसका पता लगाना सिंपल सी बात होती है कि नॉर्मल या एबनॉर्मल का पता लगाना उसी प्रकार से हो जाता है जब ने जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है, ठीक है। प्लांट बोलता नहीं है, ह्यूमन बींग्स जो अपने बोल देखते हैं, ठीक है। अपने कोई बीमारी हो गई तो अपन डॉक्टर को बोल के बता देते हैं, प्लांट्स के अंदर ये चीज़ें नहीं होती, तो प्लांट्स क्या करेगा, प्लांट्स शो करेगा सिम्टम अपने अंदर भी दिखाई देता है, जैसे सर्दी जुकाम हो गया, छींके आने लग गई, सर दर्द होने लग गया, आंखों में पानी आने लग गया, तो वो सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। एबनॉर्मलिटी दर्शा रहा है पौधा, एबनॉर्मलिटी दर्शाएगा उसके ऊपर अपेयरेंस जो डेवलप होगी, उसके ऊपर वो क्या चीज़ शो कर रहा है, उस चीज़ से अपने को पता लगेगा कि उसके अंदर नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। इसके अंदर एक चीज़ थी कि पास्ट के अंदर एक डिजीज, जैसे ट्यूलिप जो प्लांट होता है उसका लीफ का कलर ब्रेक हो गया था, उसकी लीफ का कलर ब्रेक, ठीक है। कलर ब्रेक होना मतलब ये गुलाबी रंग का जैसे लाल दिख रहा है, तो लाल के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा वाइट होने लग गया था, तो ये कलर ब्रेकिंग वायरस के इन्फेक्शन की वजह से सबसे पहले डिजीज पहचानने लगे थे तो वायरस की, तो उस ट्यूलिप लीफ ब्रेकिंग का ये एग्जाम्पल दिया जाता है। तो उसके अंदर क्या था, अब तो ये क्या हो गया, पैटर्न बन गया, ये इसकी शोभा बन गई। ये देखो डिजीज का कुछ ये भी फायदा हुआ कि इस फूल की जो अपीयरेंस थी वो पहले से अच्छी हो गई, शानदार दिखने लग गया, तो वो डिजीज उसको फायदा कर गया, इसका कलर ब्रेकिंग हो गया, बीच बीच में से कलर टूट गया था, तो ये ऐसा इसकी अपीयरेंस हो गई, तो ये सुंदर दिखने लग गया, ये फायदेमंद भी हो गया, ठीक है। तो जो ये चीज़ बताती थी तो कि ये चीज़ है क्या, देखो उसका कलर ब्रेक हुआ तब उसे पता लगा कि इसके अंदर नॉर्मल तो है ही नहीं, क्योंकि लाल कलर था बीच में वाइट आ गया, तो ये कुछ एबनॉर्मल हो गया, तो ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। पत्ती की शेप बिगड़ गई, तो ये कुछ पौधे ऐसे भी देखे होंगे जिनके अंदर ऐसे लगता है जैसे वायरस का इन्फेक्शन है, लेकिन पौधा दिखने में बहुत सुंदर दिखाई देता है, तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट के बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो उसमें कुछ फायदे भी हो जाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट भी देखे होंगे, ये तो सबके घर में मिल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार की ये जो बेल जो होती है, ये वेंस जो होती है, इनके अंदर भी ऐसे क्या होता है, कलर की ब्रेकिंग होती है, मोज़ेक जैसा पैटर्न बन जाता है, तो पर ये होता तो इनके अंदर कुछ डिजीज़ की वजह से, लेकिन ये दिखने में सुंदर दिखते हैं। फिर इनका जेनेटिक मेकअप भी ऐसा ही हो जाता है, फिर बाद में इसका एक वेराइटी या ब्रीड बन जाती है, तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट का एग्जाम्पल था इसके अंदर, ठीक है। तो हेल्दी और जो डिजीज प्लांट होता है उसको पहचानना कि नॉर्मल है या नहीं है, तो ये सब चीज़ें भी क्या होता है, डिटेक्शन के अंदर आता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर सिम्टम्स के अंदर अपने सबसे पहली चीज़ ये है कि इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज़ें क्या होती है, सिम्टम्स से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो सिम्टम्स कितने टाइप के होते हैं ये सबको पता होना चाहिए, और सिम्टम्स और साइन में डिफरेंस क्या होता है। सिम्टम और साइन अपने पिछली बार भी पढ़ा था कि सिम्टम क्या होता है और साइन क्या होता है, बहुत बार बता चुका हूँ इनके बारे में,
अपने इसमें भी देख लेंगे, ठीक है? क्या होता है देखो, सिम्टम और साइन के अंदर करेक्टरिस्टिक सिम्टम, सिम्टम कितने तरीके से डेवलप हो सकता है पौधे के ऊपर, किस वजह से सिम्टम डेवलप हो सकता है, लक्षण कैसे उत्पन्न हो सकते हैं उसके अंदर देखो, अंडर डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू और ऑर्गन। अंडर डेवलपमेंट मतलब हाइपरट्रॉपी और हाइपरप्लेशिया होता है, वैसे ही हाइपोट्रॉपी हो जाता है। हाइपोट्रॉपी मतलब उसके अंदर जो सेल का जो डेवलपमेंट था वो जितना होना था उससे कम, कोई भी टिश्यू का पूर्ण रूप से डेवलपमेंट नहीं होना। तो एक तो इस टाइप का, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, पौधे के अंदर बोनापन आ जाता है, इंटरनोड छोटी हो जाती है, पौधा लीफ का साइज रिड्यूस हो जाता है, तो ये क्या होता है उनके ऑर्गन या फिर उनके टिश्यू का पूर्ण रूप से डेवलपमेंट नहीं होता, तो उस वजह से ये सिम्टम ऐसे उत्पन्न होते हैं। ओवर डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू और ऑर्गन, जितनी नॉर्मल वृद्धि थी उससे ज़्यादा वृद्धि हो जाना, तो वो चीज़ें क्या हो जाती है ओवर डेवलपमेंट में, तो उसमें क्या आता है हाइपरट्रोपी और हाइपरप्लेशिया जैसे सिम्टम, जैसे नोट्स बन जाना, गॉल फॉर्मेशन, ऐसे गांठे बन जाती है कई पौधों के, ऐसे बाहर की ओर उभार निकला रहता है पौधों के ऐसे साइड में, जैसे इस प्रकार से ऐसे गांठे बन जाती है, तो वो चीज़ें क्या होती है ओवर डेवलपमेंट ही तो है, नोट फॉर्मेशन हो गया, गॉल फॉर्मेशन हो गया, और इसके अंदर माल फॉर्मेशन और ये फाइलोडी जैसे सिम्टम है, तो ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं, ये ओवर डेवलपमेंट के अंदर। नेक्रोसिस और डेथ ऑफ प्लांट पार्ट, नेक्रोसिस होना मतलब सडन डेथ, टिश्यू जो प्लांट के जो टिश्यू होते हैं टॉक्सिक इफेक्ट रोगकारक के कोई विषकारी प्रभाव की वजह से उसका प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म जो पूरा का पूरा एक साथ में कॉन्टैक्ट में आने पैथोजन के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से या फिर टॉक्सिक इफेक्ट की वजह से पूरा का पूरा जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो खत्म हो जाता है, तो उस वजह से क्या होगा उसका टिश्यू या सेल जो थी वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में उसका ऑटोमेटिकली कलर जो होता है उसका नेचुरल कलर नहीं रहके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक या ब्राउन कलर में। तो ब्राउन कलर की जो अपीयरेंस होती है तो वो किस वजह से होती है, पौधे के अंदर क्या हो रहा है उसके अंदर नेक्रोसिस, टिश्यू डैमेज हो गया, खत्म हो गया, और डेथ होने की वजह से क्या दिखता है वो नेक्रोटिक। तो ये चीज़ें किस में आती है ये देखो, इसमें नेक्रोसिस के बहुत सारे सिम्टम हैं, नेक्रोसिस में बहुत सारी सिम्टम है, जैसे मैं एग्जांपल लिख दूं यहाँ पे ब्लाइट, ब्लाइट में देखो क्या होगा, ब्लैकनिंग हो रही है, ब्लाइट हो रहा है, तो ब्लाइट हो रहा है, ब्लास्ट हो रहा है, एंथ्राक्नोज हो रहा है, विल्ट हो रहा है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें क्या है देखो, इसके अंदर बैक्टीरियल ब्लाइट हो गया, पस्टुल फॉर्मेशन हो गया, कैंकर बन गया, तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है इसके अंदर, ये सारी की सारी चीज़ें किसका एग्जांपल हो रहा है नेक्रोसिस, मतलब इसके अंदर भी टिश्यू ब्लाइट हो रहा है, पौधे के अंदर ऐसे झुलस जैसा, झुलसना जैसे ऐसे लगता है जैसे पूरे का पूरा पौधा जला दिया हो किसी ने, तो ये ब्लाइट जैसे ब्लास्ट जैसे सिम्टम है, तो ये कौन सी कैटेगरी के सिम्टम है, नेक्रोसिस वाली कैटेगरी की, मतलब उसमें पौधे में क्या हो रहा है नेक्रोसिस हो रहा है। अल्टरनेशन ऑफ नॉर्मल अपीयरेंस, अल्टरनेशन ऑफ नॉर्मल अपीयरेंस क्या होता है, जैसे वायरस की डिजीज होती है उसमें कलर का भी वेरिएशन आ जाता है, ग्रीन है कहीं येलो दिख रहा है, कहीं कम ग्रीन कहीं अधिक ग्रीन दिख रहा है, तो वो सब चीज़ें क्या होता है अल्टरेशन हो जाता है नॉर्मल अपीयरेंस, उसकी नॉर्मल अपीयरेंस पूरी की पूरी बदल जाती है, डिस्टोर्टेशन हो जाता है, मतलब पौधे के अंदर विकृति आ जाती है, उसकी शेप बिगड़ जाती है, कलर बिगड़ जाता है, उसका साइज बिगड़ जाता है, तो ये सारी चीज़ें इस वजह से क्या होता है पौधे के अंदर सिम्टम्स दिखाई देता है, और ये सारी घटनाएं होती किस वजह से है, या तो बायोटिक फैक्टर से होती है या फिर एबायोटिक फैक्टर से। इसके बाद में साइन और सिम्टम, साइन और सिम्टम मैं सीधा सा बता देता हूँ, साइन चीज़ क्या होती है, साइन तो कोई भी जब रोग कारक पौधे पे अटैक करता है तो उसकी खुद की ग्रोथ दिखाई देगी या फिर उसका कोई भाग दिखाई देगा, जब पैथोजन या फिर उसका कोई पार्ट जो पौधे के ऊपर दिखाई देता है, अगर पैथोजन खुद से वहाँ पे दिखाई देता है तो वो सब चीज़ें क्या कहलाती है, साइन कहलाती है। और सिम्टम क्या होता है, सिम्टम उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से या बायोकेमिकल रिएक्शन की वजह से जो पौधे के अंदर जो चेंजेज वेरिएशन आते हैं जो पौधा शो करता है उसको बोल देते हैं अपन सिम्टम। तो ये सब चीज़ें कॉमन सी बात है, इसको नोट कर लेना, इसको अगर याद करना है ढंग से, तो सिंपल भाषा में बता दिया, रोग कारक अगर दिखाई दे रहा है तो साइन है, अगर रोग कारक का कोई प्रभाव दिखाई दे रहा है तो वो सिम्टम है। फंगल डिजीज़ के साइन कौन कौन से होते हैं, देखो फंगल डिजीज़ के साइन हो गया लीफ का रस्ट, रस्ट के अंदर क्या होता है फंगस के स्पोर होते हैं, फंगस के क्या होते हैं स्पोर, जैसे यूरिडियोस्पोर हो गया, तो यूरिडियोस्पोर हो गया, तो ये फंगस के जो स्पोर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इसके पस्चुलिया कॉमन लीफ रस्ट
ठीक है, तो रस्ट के अंदर पस्टुल होता है तो ये साइन होता है, स्टेम रस्ट है तो भी उसमें रस्ट, तो साइन का ही एक एग्जांपल होता है। स्क्लेरोटिनिया जो व्हाइट मोल्ड होती है, स्क्लेरोटिनिया जो फंगस होती है उसके अंदर क्या होता है, स्क्लेरोसिया बनता है। उसके अंदर क्या बनता है, स्क्लेरोसिया। स्क्लेरोसिया पहले बता रखा है मैंने, स्क्लेरोसिया क्या होता है एक एक चीज़ को आप डिफाइन नहीं कर सकते अपन। स्क्लेरोसिया बनना ऐसे ब्लैक स्ट्रक्चर बन जाती है माइसीलिया इकट्ठा होकर, ठीक है, तो वो क्या होता है स्क्लेरोसिया। और पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है सुपरफिशियल ग्रोथ होती है, जो पौधा होता है उसकी सरफेस के ऊपर फंगस की ग्रोथ दिखाई देती है। तो ये सारे सिम्टम, ये सब जो सिम्टम नहीं बोलेंगे इनको क्या बोलेंगे अपन, साइन। क्यों? क्योंकि पाउडरी मिल्ड्यू में भी फंगस की ग्रोथ होती है, स्क्लेरोटिनिया में भी फंगस का पार्ट होता है, स्टेम रस्ट में भी फंगस के स्पोर होते हैं और लीफ रस्ट में भी फंगस के स्पोर होते हैं। तो अगर रोग कारक का भाग दिखाई देता है पौधे के ऊपर एक लक्षण के रूप में, तो वो चीज़ें होती है साइन। अगर फंगल डिजीज सिम्टम की बात करें तो सिम्टम में क्या है, बर्ड आई स्पॉट, एंथ्राक्नोज। एंथ्राक्नोज क्या है, इफेक्ट हो रहा है यानी कि ऊपर, उसके ऊपर कोई पौधा ऐसा लगता है जैसे जल गया। विल्टिंग ऑफ प्लांट, पौधे के अंदर पीलापन आ गया, मुरझा गया, मुरझान दिखा रहा है, तो वो क्या है, साइन, सॉरी सिम्टम। लीफ स्पॉट, स्पॉट बनना मतलब वहाँ पे नेक्रोटिक एरिया डेवलप हो गया। क्लोरोसिस, क्लोरोसिस मतलब वहाँ पे पीला पीले ऐसे धारियाँ बनने लग गई या पेचेज बनने लगे। तो ये सब चीज़ें क्या आती हैं, साइन, सॉरी सिम्टम। इसके बाद में बैक्टीरियल डिजीज़ का साइन की अपन बात करें तो वो पहचानने में देखो इसका जो साइन होता है बैक्टीरिया का वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसके अंदर कुछ चीज़ें होती है जैसे बैक्टीरियल ऊज, ऊज टेस्ट किया जाता है इसके लिए। तो ऊज का मतलब होता है बैक्टीरिया की एक ग्रोथ होती है। अगर इन्फेक्टेड पार्ट को अपन एक ब्लेड से काट के उसके ऊपर पानी के ड्रॉप डाल के उसके अंदर माइक्रोस्कोप में देखते हैं या फिर कोई ग्लास के अंदर डाल देते हैं तो उसके अंदर एक बिल्कुल वाइट ऐसे ग्रोथ दिखाई देती है, तो उस चीज़ को ऊज बोलते हैं। तो वो ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की, तो वो टेस्ट किया जाता है इसके लिए, तो वो साइन ही होता है, मतलब बैक्टीरिया खुद है उसके अंदर ग्रोथ दिख रही है उसकी। वाटर सॉक्ट लीजन्स, लीजन्स के अंदर भी क्या होता है उसके अंदर बैक्टीरिया की सेल्स होती है, तो वाटर सॉक्ट लीजन्स होती है उनको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल स्टीमिंग फ्रॉम कट स्टेम, तो बैक्टीरिया की जो स्टीमिंग कट स्टेम जो होता है वहाँ से कुछ लिक्विड निकलने लग जाता है तो उसको अपन बोल देते हैं बैक्टीरियल स्टीमिंग। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, बैक्टीरियल साइन। अब इसके अंदर सिम्टम में क्या होगा, देखो लीफ का स्पॉट हो गया या उसके ऊपर येलो येलो बन गया, पीला घेरा बन जाता है, लीफ स्पॉट धब्बा बन जाता है, नेक्रोटिक एरिया डेवलप हो जाता है, फ्रूट के ऊपर स्पॉट बन गया, धब्बा बन गया, कैंकर, सनकेन लीजन्स होते हैं, ठीक है, सनकेन लीजन अंदर धसे हुए, कोई भी सरफेस होता है उसके आंतरिक भाग में धसे हुए नेक्रोटिक एरिया जो होता है उसको बोलते हैं कैंकर। क्राउन गाल हो गया, तो गाल फॉर्मेशन भी क्या हो गया इसके अंदर सिम्टम है, तो ये एग्रोबैक्टीरियम जैसा बैक्टीरिया इसके अंदर क्राउन गाल करता है कोई भी प्लांट या फिर फ्रूट क्रॉप के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, ये जो इसके अंदर डैमेज, इसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स इसमें दे रखा है जैसे शेफर्ड्स क्रूक स्टेम एंड ऑफ वुडी प्लांट, वुडी प्लांट के अंदर कुछ इस प्रकार के सिम्टम डेवलप होते हैं जो फंगस से उत्पन्न होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, सॉरी बैक्टीरिया से उत्पन्न होते हैं, तो ये सारे के क्या होते हैं, बैक्टीरिया के स्पॉट और बैक्टीरिया के सिम्टम और साइन दोनों टाइप के। वायरल डिजीज, वायरल डिजीज वायरस वैसे ही सब माइक्रोस्कोपिक होता है तो खुद तो दिखाई नहीं देता, तो वायरस का कोई साइन डेवलप नहीं होता, तो वायरस के क्या होते हैं सिर्फ सिम्टम डेवलप होते हैं। तो सिम्टम में क्या आ जाएगा, मोजेक, दो डिफरेंट कलर का डेवलपमेंट, अल्टरनेशन हो जाना, ठीक है। क्रिंकल लीफ, क्रिंकल मतलब ऐसे झुरियाँ पड़ जाना, पत्तियों पे ऐसे झुरी दिखाई देने लग जाती है। येलो लीव्स का मतलब पीला पड़ जाना। प्लांट स्टंटिंग, ओवर सॉरी उसकी ग्रोथ कम होने की वजह से प्लांट का क्या होता है, बोना रह जाना, पौधा छोटा रह जाता है, नाटा रह जाता है। तो ये सारे के सारे सिम्टम किसे डेवलप होते हैं, वायरस से। अब इसके अंदर देखो प्लांट पैथोजन को डिटेक्ट करना होता है कि उसके अंदर वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, क्या चीज़ है, उस चीज़ को डिटेक्ट करना होता है। डिटेक्ट मतलब पहचान करना, कि वायरस की पहचान करना है अपने को, फंगस की पहचान करनी है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है कि इसके अंदर कुछ अपन क्या करते हैं, उसके सिम्टम से पता लगाते हैं। कैसे पता लगाएंगे, उसके सिम्टम या साइन से। जैसे अभी अपन ने पढ़ा कि बैक्टीरिया का सिम्टम कैसे होता है, बैक्टीरिया का साइन कैसे होता है, फंगस का सिम्टम कैसे होता है, फंगस का साइन कैसे होता है। तो उसी प्रकार से अपन उसका पता लगाना, पैथोजन को डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके सिम्टम और उसके साइन को चेक करते हैं, ठीक है। उसके अंदर कैसे करेंगे, देखो कॉमनली जो ऑब्जर्व्ड सिम्टम है, सामान्य तौर पर जिनको ऑब्जर्व किया जा चुका है उस प्रकार के सिम्टम, वो किस तरीके के होते हैं। देखो इन चीज़ों की पहचान हो चुकी है तो इनको अपन देखते ही पता लगा लेते हैं। अब मान के चलो मुझे ब्लास्ट का पता नहीं है,
मैं गूगल पे ही देख लूँगा कि ब्लास्ट डिजीज के सिम्टम कैसे होते हैं, मैं वहाँ से इमेज से, इस इमेज से पता लगा लूँगा, फील्ड में देखूँगा कि अगर इसी प्रकार के सिम्टम डेवलप हो रहे हैं तो वो डिजीज़ कौन सी होगी, ब्लास्ट। ये पहले से नाउन चीज़ है। प्रॉपर डायग्नोज करना, उसको डिटेक्ट करना एक पूरा प्रोसीजर, जब कोई न्यू डिजीज आइडेंटिफाइड होती है तो उस चीज़ के लिए एक पूरा प्रोसीजर अपनाना पड़ता है। आज के टाइम में तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, रिकॉर्ड हो चुकी है। रिकॉर्ड चीज़ का अपन क्या करते हैं, उससे मैच करके अपन उसका पता लगा लेते हैं। तो फंगल लीप स्पॉट है, तो इस प्रकार के फंगस के लीप स्पॉट होते हैं। तो ब्लास्ट डिजीज़ के अंदर इस प्रकार के स्पिंडल शेप के स्पॉट होते हैं। ब्राउन स्पॉट जो डिजीज़ होती है उसमें भूरे रंग के छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती है कि कोई भी पैथोजन का पता लगाना है तो ये इससे पता चलता है कि ये चीज़ें क्या है, फंगस का अटैक। बैक्टीरियल लीप स्पॉट होता है, येलो हेलो होती है और एंगुलर टाइप के धब्बे बनते हैं। एंगुलर लीप स्पॉट देखो, इसमें एंगुलर टाइप के ऐसे तिकोने टाइप के ऐसे स्पॉट बन जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, बैक्टीरिया और फंगस का पता लगाने के लिए, उसके सिम्टम्स से कोई भी पैथोजन की पहचान करना, सिम्टम्स के द्वारा कोई भी रोग कारक का पता लगाना। अब जैसे वेन क्लियरिंग है तो वायरस है, सीधी सी बात है। और वेन बेंडिंग, वेन क्लियरिंग का मतलब सिराएं जो होती है उसका कलर डिसअपियर हो जाता है, तो वेन क्लियरिंग हो गई। अगर वेन के चारों तरफ एक गहरे रंग के ऐसा पट्टी बन जाती है, बैंड बन जाता है, तो उसको बोल देते हैं वेन बेंडिंग। तो ये वायरस से होता है, पता चल गया ना कि वेन क्लियरिंग, वेन बेंडिंग हो रही है, तो किस वजह से हो रहा है, वायरस की वजह से। मोजेक एंड रिंग स्पॉट, मोजेक भी क्यों कौन करता है, वायरस, और रिंग स्पॉट पपाया के अंदर जैसे डिजीज होती है तो रिंग बना देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, किस वजह से हो रहा है, वायरस की वजह से। उसके बाद में लीफ डिस्टोर्शन, लीफ डिस्टोर्शन का मतलब विकृति आ जाना, विकृति आना, लीफ कर्ल हो गया, पकरिंग हो गया, और इसके अंदर जैसे इसका पूरा का पूरा पत्तियाँ इसमें पूरी की पूरी ऐसे, इसका साइज क्या, इसका पूरा आकार ही बिगड़ गया। तो ये इस प्रकार के जो सिम्टम होते हैं, माल पॉन्ड हो जाते हैं कई बार प्लांट, तो ये सारी की चीज़ें क्या होती है, बिगड़ जाती है। तो इस वजह से, वायरस की वजह से या फाइटोप्लाज्मा की वजह से। तो सिंपल सी बात है, सिम्टम से पैथोजन का पता लगाना। तो ये सब चीज़ें पहले से नाउन है, इनका पता लग चुका है, तो अब क्या करते हैं, इनको सिर्फ सिम्टम देख के ही उसका कॉजल एजेंट अपन बता सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ, अगर अपन इसकी बात करें मेथड की, तो ये सब चीज़ें क्या होती है कि विजुअल ऑब्जर्वेशन। विजुअल ऑब्जर्वेशन मतलब अपन जाके बिना कोई इक्विपमेंट या फिर बिना कोई ऐसे कोई इक्विपमेंट की सहायता के बिना ही अपन डायरेक्ट अपने नेक्ड आई से देख के अपन उसको देख के उसका पता लगा सकते हैं रोग का और उसके रोग कारक का। तो डिजीज़ को डिटेक्ट और डायग्नोज वहीं पे फील्ड पे कर देते हैं, क्योंकि अगर अपन उसको पहले से जानते हैं, कहीं देखा है, कहीं पढ़ा है, या फिर उसको अपन कहीं स्टडी किया है, तो ये सब चीज़ें इसमें इजी कर देती है कि जिसकी स्टडी हो चुकी है उसको आइडेंटिफाई करना अब थोड़ा इजी हो गया। अब इसके बाद में क्या है, प्रेजेंस ऑफ स्पोर और स्पोर स्ट्रक्चर कि ये साइन की बात करते हैं। सिम्टम जैसे वैसे देख लिए, अब साइन, और अब इसमें देखो स्ट्रक्चर, जैसे रस्ट की बात कर रहा हूँ तो रस्ट में क्या बनते हैं, पस्चुल्स बनते हैं, तो पस्चुल बनते हैं, तो रस्ट कौन करता है, एक फंगस करती है, तो पता लग गया ना कि फंगल डिजीज है। रस्ट इस प्रकार के पस्चुल बनाता है, इसी सरफेस पे इसकी उभार आ जाता है, तो ये सब चीज़ें इससे कैसे पता लगेगा कि ये फंगस का सिम्टम है या बैक्टीरिया का। तो ये सिम्टम की वजह से अपन क्या कर रहे हैं, कोई भी रोग कारक की पहचान कर रहे हैं। पाउडरी मिल्ड्यू का, जैसे पाउडरी ग्रोथ आ गई तो पाउडरी मिल्ड्यू फंगस होती है। ब्लैक मोल्ड, काले रंग की ऐसे ऊपर फंगस आ जाती है सरफेस पे, तो उस वजह से। और ये ब्लाइट वाले सिम्टम किसकी वजह से होता है, या फिर इसके ऊपर जैसे एसरबुलाई बन गई या फिर पिकनीडिया जैसे स्ट्रक्चर बन गई, तो ये सब चीज़ें कौन बनाता है, फंगस बनाती है। तो ये सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन का तरीका हो गया देख के पहचानने का। अब इसके बाद कैंकर, कैंकर जैसे सिम्टम मैंने देखा है, तो कैंकर ये इस प्रकार के सिट्रस के अंदर हो रहा है, कैंकर कौन करता है, बैक्टीरिया करता है, तो आइडेंटिफिकेशन हो गया ना। तो ये सारे के सारे जैसे गमोसिस टाइप के सिम्टम हो गए, गम निकल रहा है, तो ये सारे के सारे सिम्टम किसके हैं, बैक्टीरिया के। अब इसके बाद फ्रूट डीके एंड रोट्स, डीके एंड रोट्स का मतलब ये हो गया कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फंगस होती है जो डीके कर देते हैं। डीके करना मतलब उसको रोटिंग कर देता है, रोटिंग जो सॉफ्ट जो रोटिंग होती है, तो वो सबसे ज़्यादा किससे होती है, बैक्टीरिया से। स्टोर्ड जो फ्रूट होता है अपने, उसके अंदर क्या होता है, रोटिंग हो जाता है। डिग्रेडेशन, धीरे धीरे वो जो फ्रूट या फिर अपना कोई प्रोडक्ट होगा वो धीरे धीरे सड़ने लग जाएगा। कुछ इस प्रकार के सिम्टम होते हैं डाईबैक जैसा, इनको फ्रूट रोट या डाईबैक बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, किस वजह से होती है, फंगस की वजह से। ये किस वजह से होती है, फंगस, ये डाईबैक या फ्रूट रोट बोल देते हैं इसको। तो ये क्या करते हैं, अपन सिम्टम देख के इनका आइडेंटिफिकेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पहले से नाउन होती है, ठीक है।
या फिर इनको अपन बोलें सीधा विजुअल ऑब्जर्वेशन, आंखों से देख के सीधा डिजीज को डिटेक्ट करना, और उसका डायग्नोसिस तो हो ही गया, अपने उसको देख के उसका रोग कारक का पता लगा दिया, तो डिटेक्शन और डायग्नोसिस दोनों एक साथ में कर दिया अपने। तो डिजीज को डायग्नोज करना, पैथोजन को डायग्नोज करना, डिटेक्ट करना, एक प्रकार से आइडेंटिफिकेशन करना, कन्फर्मेशन करना होता है। तो उस प्लांट के अंदर अपन उसी का वापस टेस्ट करके देख सकते हैं कि इसी प्रकार का लक्षण इस पे डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा। विल्ट हो गया, तो विल्टिंग अपीयरेंस के कॉमन सिम्टम होते हैं, पहले अपन ने पढ़ा भी है कि विल्ट कैसा होता है, कि उसके अंदर वाटर लॉस हो गया, येलोविंग हो गया, विदरिंग हो गया, मुरझान हो गई, नेक्रोसिस होने लग जाएगा, फिर धीरे धीरे सूख के पौधा खत्म हो जाएगा। तो विल्ट के सारे सिम्टम एक जैसे ही होते हैं इसमें। तो विल्ट के सिम्टम को देख के उसका पता लगाना कि कौन सी डिजीज है, जैसे देखते ही बता देंगे कि इसके अंदर क्या है विल्ट, उसके रूट को डैमेज हो रहा है, तो रूट का अपन डायरेक्ट उस पर चेक कर लेंगे, ठीक है। तो उससे पता चल जाएगा कि रोग कारक क्या है इसका और इसका सिम्टम क्या है, डिटेक्ट कर लिया सीधा। सूट डाइबैक और ब्लाइट, सूट के अंदर डाइबैक हो रहा है, देखो ऊपरी हिस्सा जो पौधे का ऊपरी हिस्सा होता है उसका धीरे धीरे सूखना स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे पूरा का पूरा पौधा क्या होता है खत्म हो जाता है। तो ये सूट डाइबैक हो गया। ब्लाइट्स होती है, अर्ली ब्लाइट हो गया, जैसे लेट ब्लाइट हो गया, तो इस प्रकार के सिम्टम होते हैं, तो इनकी पहचान कर लेते हैं। तो ब्लाइट एक प्रकार से अपने आप में एक डेफिनेशन, अपने आप को डिफाइन करता है ब्लाइट, कि ब्लाइट अगर हो रहा है तो उसके अंदर लक्षण जो होंगे किस प्रकार के होंगे, ब्लाइट के अंदर लक्षण कैसे होंगे, पत्तियों के अंदर उसके ऊपर लीजन्स बनेंगे, स्पॉट्स बनेंगे, लेटर स्टेज में ब्लैकनिंग होगी, नेक्रोसिस होने की वजह से पूरा का पूरा उसमें से लगता है, जैसे पूरा का पूरा जो पत्ता है वो धीरे धीरे सूख गया और काला पड़ गया, तो वो सारे के सारे सिम्टम क्या होते हैं ब्लाइट। अब ब्लाइट करता कौन है, बैक्टीरिया करती है और फंगस करता है, तो उस चीज़ को अपन आइडेंटिफाई करें। बैक्टीरिया फंगस का पता लगाना होता है, तो बैक्टीरिया के कुछ करेक्टर होते हैं जो उसको डिफाइन करते हैं, कि अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो उसके ऊपर जैसे पीला घेरा बन गया, या फिर उसके एंगुलर टाइप के स्पॉट बनेंगे, तो इस प्रकार के कुछ लक्षण हो गए। अगर फंगस का ब्लाइट है तो एक जैसा उसके ऊपर लीजन डेवलप हो रहा है, साइज में बड़ा होगा लीजन, धीरे धीरे वो ऐसे साइज में बड़ा हो जाएगा और पूरा का पूरा मर्ज होकर पूरी पत्ती को जला देता है। तो इस प्रकार के लक्षण, जैसे मानो लीफ की मार्जिन से स्टार्ट होता है और वी शेप का लक्षण उत्पन्न होता है, तो वो जैसे बताता है कि ये बैक्टीरिया का सिम्टम है, येलो हेलो बन रहा है उसके चारों तरफ, उसमें फंगस में इस प्रकार की कुछ स्ट्रक्चर नहीं बन रही है, तो वो सब चीज़ें क्या बताती है कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है या फिर फंगस का। ओवर अब देखो, ओवरऑल स्टंटिंग और डिक्लाइन वायरस और फाइटोप्लाज्मा के ऐसे लक्षण होते हैं कि स्टंटिंग, पौधा बोना रह जाता है, मतलब उसमें हार्मोनल इम्बेलेंस होता है, हार्मोनल इम्बेलेंस कौन करता है, उसके अंदर वायरस या कुछ फाइटोप्लाज्मा कर देते हैं। डैम्पिंग ऑफ सिम्टम है, तो डैम्पिंग ऑफ कौन करता है, राइजोक्टोनिया पीथियम जैसी फंगस होती है, सिंपल सा, जिनको पहले से ही डायग्नोज कर चुके हैं, इनका पता लग चुका है कि इस प्रकार के अगर लक्षण उत्पन्न होते हैं तो उसके अंदर कौन सी फंगस के चांसेज होते हैं, तो उसके अंदर या तो पीथियम होगा या फिर उसके अंदर राइजोक्टोनिया होगा। तो ये लक्षण देख के अपन रोग कारक का पता लगाते हैं। तो ये विजुअल ऑब्जर्वेशन के सारे इसमें सिम्टम्स है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन विद अनएडेड आइज, ठीक है। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं, अब उन सिम्टम में कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि ब्लाइट को अपन देखते हैं तो उस चीज़ में क्या करते हैं, अपन कई बार हैंड लेंस यूज़ कर लेते हैं, पाउडर मिल्ड्यू के लिए हैंड लेंस यूज़ कर लेते हैं, डाउनी मिल्ड्यू के लिए हैंड लेंस यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, हैंड लेंस की भी ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट उसको देख के अपन पहचान लेते हैं। तो वो कौन सी है, देखो इसके अंदर स्क्लेरोसियम रोल्प साइज, जो कॉलर रोट डिजीज होती है, स्टेम रोट या फिर ग्राउंड नट के अंदर एक डिजीज होती है, तो उसके अंदर क्या होता है स्क्लेरोसिया। स्क्लेरोसिया एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है फंगस के अंदर जो नेक डाई से पहचानी जा सकती है, सीधे नग्न आंखों से अपन उसको देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती है अनएडेड आइज, मतलब उसके साथ में कोई माइक्रोस्कोप या लेंस की जरूरत नहीं होती, सीधा देख के उसको पहचान लेते हैं। उसी प्रकार से क्या होता है स्क्लेरोटिन या स्क्लेरोसोरियम, ये ब्रिंजल के अंदर स्टेम रोट या कुछ ऐसे डिजीज करता है, तो उसके अंदर क्या बनाता है, देखो ये ब्लैक ब्लैक ऐसे स्क्लेरोसिया बना देता है, ये पहले व्हाइट ग्रोथ होती है फिर धीरे धीरे काला पड़ जाता है, तो ये भी अपने देख के पहचान सकते हैं सीधा। और फंगस की देखो डायरेक्ट सीधी फंगस की पहचान हो जाती है इसमें, देखो दो जब फंगस एक जैसी होती है तो उनमें कुछ वेरिएशन होता है, किसी के जो स्क्लेरोसिया होते हैं ब्लैक होते हैं, किसी के स्क्लेरोसिया ब्राउन होते हैं, किसी का साइज बड़ा होता है स्क्लेरोसिया का, किसी का साइज छोटा होता है, तो ये एक जैसी फंगस में भी डिफरेंस का पता बता देता है। फल्समट है तो सीधा देखते ही उसके अंदर क्या होता है ब्लैक चारकोल जैसा पाउडर बन रहा है, तो वो सीधी सी बात है स्मट हो रहा है।
वीट के अंदर रस्ट हो रहा है तो इसके अंदर भी देखो पस्चूल होता है, इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ें जरूरत है इसमें माइक्रोस्कोप या कोई लेंस की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट उसको देख के अपन बता सकते हैं इनके सिम्टम। ठीक है, कॉमन स्केब, स्केब ये तो देखा ही होगा, पोटैटो के अंदर स्केब हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस फंगस से होता है, तो स्केब के अंदर ऐसे घाव जैसी ऐसे क्रस्ट एक पपड़ी जैसी संरचना बनी होती है, तो उसको बोल देते हैं कॉमन स्केब। इनके लिए कोई लेंस की जरूरत नहीं होती, हाथ को छूते ही इसमें पता लग जाता है। बैक्टीरिया लिव लाइट ऑफ राइस, तो इसके अंदर देखो ब्लाइट के अंदर भी क्या होता है, इसको देख के सीधा उसके ऊपर जो मार्जिन होता है उसके ऊपर ऊज निकल आता है, ऊज के अलावा इसकी ब्लाइटनिंग होने लग जाती है। तो ये कुछ सिम्टम इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बाद में फ्यूजेरियम विल्ट, फ्यूजेरियम विल्ट के बारे में सीधा सा बात है, अगर विल्ट की बात आती है तो अपने को उस पार्ट का कुछ पता होना चाहिए कि विल्ट विल्ट किससे रिलेटेड होती है, रूट से। तो अपने क्या ऑब्जर्व करेंगे, डायरेक्ट उसकी रूट, अपन अफेक्टेड पार्ट का ऑब्जर्वेशन करके रोग का पता लगा सकते हैं और रोग कारक का भी पता लगा सकते हैं। रूट में इन्फेक्शन हो रहा है तो रूट को सीधा ऑब्जर्व करके अपन उसका आइडिया लगा सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी फंगस या कौन सा बैक्टीरिया है। ठीक है, तो विल्ट सीधा सा है, रूट के अंदर ब्लैकनिंग हो जाएगी, काले रंग की ऐसी पट्टियाँ बन जाती है, तो सीधा सा उसके अंदर फ्यूजेरियम है। तो देखो रूट से अपन सीधा अफेक्टेड प्लांट पार्ट से कोई भी डिजीज़ को डायग्नोज करना, उस पार्ट को देख के सीधा। ये भी क्या आता है, अपने फील्ड ऑब्जर्वेशन की बात करें, विजुअल ऑब्जर्वेशन की बात करें, देख के पता लगा रहे हैं अपन सब चीज़ों का। ठीक है, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट हो गया, मैंगो के अंदर इस प्रकार का बैक्टीरियल लीफ स्पॉट है, तो इसमें पीला घेरा बन रहा है और ऐसे एंगुलर टाइप की मार्जिन हो रही है, तो इसके अंदर ये किसके अंदर हो रहा है, मैंगो के अंदर। चिल्ली के अंदर इस प्रकार के सिम्टम है, तो ये पहले से आइडेंटिफाइड हो चुके हैं, तो इनको देख के पता लगा सकते हैं। बैक्टीरियल लीफ स्पॉट आ गया, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट है, तो उसके अंदर इस प्रकार का ब्राउन कलर का या फिर बीच में से वाइट कलर का ऐसे स्पॉट दिखाई देता है। कॉमन सिम्टम है ये पाउडरी मिल्ड्यू है, तो पाउडरी मिल्ड्यू का तो बता ही चुका हूँ मैं, पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है, पाउडरी मिल्ड्यू देख के सीधा उसके ऊपर पाउडर जैसा ब्लैक वाइट ऐसे डस्ट या पिंकिश और क्रीमी कलर का ऐसे क्या होता है, इसके ऊपर डस्ट जैसी ऐसी संरचना बन जाती है, तो ये क्या होता है, पाउडरी मिल्ड्यू, देख के पता लगाते हैं। करनाल बंट, इसके अंदर काला काला पड़ जाता है दाना, आधा भाग हेल्दी होता है आधा भाग काला होता है, करनाल बंट को देख के पता लगा देते हैं कि फंगस से होता है और इस प्रकार का लक्षण डेवलप होता है। मोजेक का देख के पता लगा देते हैं वायरस का, लीफ कर ले देख के पता लगा देते हैं, पत्तियाँ मुड़ जाती है, मोजेक में दो रंग आ जाते हैं इसके अंदर। निमेटोड का पता लगाना होता है, तो निमेटोड के अंदर आप देखो इसमें डायग्नोज करने का डिफरेंस देखो, एक चीज़ क्या दिखा रही, रूट नोड्यूल प्लस रूट नोट, इसमें क्या डिफरेंस होता है, नोड्यूल जैसे लेग्यूम के अंदर क्या बनती है, नोड्यूल्स बनती है, वो चीज़ें नोट नहीं होती, वो चीज़ बेनिफिट जो प्लांट को बेनिफिट प्रोवाइड करती है, नुकसान नहीं करती, हार्मफुल नहीं होती, लेकिन नोट्स जो होती है वो क्या होती है, हार्मफुल होती है, ये हार्ड होती है। देखो इसमें पहचानने का तरीका क्या होता है, नोट जो बनती है ओवर ग्रोथ एक्सेस ग्रोथ की वजह से बनती है। ठीक है, सेल का डिवीजन ज़्यादा हो गया या फिर सेल का साइज बढ़ने की वजह से हो गया, तो ये क्या चीज़ होती है कि इसमें ओवर ग्रोथ हो जाती है, तो उसके अंदर बहुत सारी सेल्स ऐसे इकट्ठी होकर एक हार्ड स्ट्रक्चर बना देती है, रूट को ब्लॉक कर देती है, ये तो होता है नोट। ये करता कौन है, निमेटोड, तो सीधा रूट के अंदर इन्फेक्शन है तो रूट को उखाड़ के अपन उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इस प्रकार का सिम्टम दिखेगा तो सीधा पता लगा देंगे कि निमेटोड है, निमेटोड भी कौन सा, रूट नोट, रूट नोट कौन सा होता है, मेलेडोगाइन। देखो सीधा पता चल जाता है ना कि कौन सी डिजीज सिम्टम से सीधा रोग कारक तक पहुंच गई। सोयाबीन का सिस्ट है, तो सिस्ट निमेटोड होता है, तो सिस्ट के अंदर क्या होता है, छोटी छोटी ऐसी उसके अंदर सिस्ट या फिर इनको पुटिकाएं बोलते हैं, तो ये छोटी छोटी इसके अंदर सिस्ट बन जाती है, रूट के अंदर देखने से पता चल जाता है, तो ये थोड़ी हार्ड होती है देखने में, ये दोनों स्ट्रक्चर थोड़ी सी अलग होती है। नोड्यूल जो होती है बिल्कुल सॉफ्ट होती है, उनको हाथ से इसे दबाने से वो टूट जाती है, तो ये इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस होता है। हैंड लेंस के हेल्प से अपन देखते हैं तो कौन से सिम्टम देखते हैं, डाउनी मिल्ड्यू। हैंड लेंस कोई इक्विपमेंट की अपन बात करें, लैब के अगर कोई इक्विपमेंट की बात करें कोई इसके अंदर अपने चाहिए तो वो हैंड लेंस, हैंड लेंस से अपने ऑब्जर्वेशन का सबसे एक अच्छा तरीका होता है। तो लगभग डिजीज़ को पहचानने के लिए अपन हैंड लेंस यूज़ करना चाहिए। वैसे जो कुछ सिम्टम मैंने ऐसे भी बताए जिनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, देखते ही पहचान लेते हैं सीधा नेक डाई से। तो हैंड लेंस से अपन डाउनी मिल्ड्यू होती है तो उसके लोअर सरफेस पे फंगस की ग्रोथ होती है, वो बिल्कुल उसकी सरफेस के साथ चिपकी रहती है, तो उसको पहचानने के लिए अपने हैंड लेंस की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा लेट ब्लाइटो पोटाटो, उसके अंदर फाइटोपथोरा फंगस होता है, वो भी इसी प्रकार से उसकी माइसीलियल ग्रोथ होती है, बिल्कुल
कम दिखती है, तो वो बिल्कुल सरफेस से चिपके रहती है। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर या फिर इस प्रकार की ग्रोथ देखने के लिए अपन किसकी हेल्प लेते हैं, हैंड लेंस की। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटाटो, तो पोटाटो के अंदर अल्टरन एरिया अर्ली ब्लाइट होती है, तो उसके अंदर भी फंगस की जो ब्लाइट का जो एरिया होता है उसके ऊपर फंगस की ग्रोथ आ जाती है, तो उसको देखने के लिए अपन क्या करते हैं, हैंड लेंस यूज कर सकते हैं। अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट, इसमें डिफरेंस देख लो क्या होता है। अर्ली ब्लाइट अल्टरन एरिया होता है, इस प्रकार के स्पॉट बनते हैं, और लेट ब्लाइट के अंदर पूरा एक साथ में जुलस जैसा दिखता है, पूरा काला चकता बनता है। और अर्ली ब्लाइट के अंदर ऐसे टारगेट लिप स्पॉट, बुल आई स्पॉट बोलते हैं जिसको, ऐसे आंख जैसी संरचना बन जाती है। इस पे ऊज टेस्ट कर लेते हैं, तो ऊज टेस्ट करते हैं तो देखो बैक्टीरियल विल्ट डिजीज होती है, तो ऊज टेस्ट करना बता दिया था कि कैसे उस इफेक्टेड पार्ट को कट करते हैं, उसको पानी में डिप करते हैं, तो उसके ऊपर ऐसे बैक्टीरिया की इस प्रकार की ग्रोथ दिखाई देती है, ये तो इसको ऊज बोलते हैं। तो ये ऊज टेस्ट अपन कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, डिस्टिल वाटर के अंदर, लेब में भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। आइडेंटिफाई प्लांट पार्ट अफेक्टेड, ये सीधा बता दिया कि अफेक्टेड प्लांट पार्ट से पौधे को आइडेंटिफाई करते हैं, तो कैसे, रूट के अंदर अगर इन्फेक्शन बिल्ट हो रहा है तो अपन किस से पहचानेंगे उसको, रूट से। गाल फॉर्मेशन हो रहा है, नोट फॉर्मेशन हो रहा है, निमेटोड काटे का, तो अपन किस से पहचान लेंगे उसको, सीधा रूट के इन्फेक्शन से, ठीक है। अब क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिम्टम, एक कंडीशन होती है कि अगर अपन विजुअल ऑब्जर्वेशन करते हैं, अगर अपन लक्षणों की पहचान करते हैं, अपने उसके अंदर फील्ड के अंदर जाते हैं और लक्षणों की पहचान करनी होती है, डिजीज़ को डायग्नोज करने से पहले अपने उसको डिटेक्ट करते हैं, तो डिटेक्ट करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी होता है। देखो यूनिफॉर्मिटी ऑफ सिम्टम, और उसके अंदर फील्ड के अंदर क्या, यूनिफॉर्मिटी मतलब सिम्टम का मतलब क्या होता है कि अगर पूरे फील्ड के अंदर एक जैसा लक्षण दिखाई देता है, पूरे फील्ड के अंदर एक जैसा लक्षण दिखाई दे रहा है, तो उसका